बिहार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आज कैबिनेट बैठक थी, आपके विभाग का भी प्रस्ताव था, क्या प्रस्ताव था? आज हम अपने विभाग की तरफ से अध्यादेश लेकर आए थे कैबिनेट में, इस आशय के साथ कि जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय जो चित्रकूट में स्थापित है, उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो विश्वविद्यालय राज्य सरकार अपने अधीन ले ले, क्योंकि वो उसके संचालन में कई कठिनाई महसूस कर रहे थे। तो 31 जनवरी को रामभद्राचार्य जी जो वहाँ के कुलाधिपति हैं, उनके और राज्य सरकार के बीच MOU साइन हुआ था। आज हम अध्यादेश लेकर आए हैं, चूँकि सदन अभी अस्तित्व में नहीं है, इसलिए अध्यादेश के माध्यम से आज कैबिनेट में हमने इस बात का आग्रह किया है कि उस विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। तो अध्यादेश आज लाया गया है, आने वाले समय में उस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर एक और विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए अब हो जाएगा। एक सवाल ये था कि कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। कॉमन सिविल कोड पूरे देश में एक होना, मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बयान, ये सोच राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है। जब एक देश में रहने वाले सभी लोग संविधान, एक संविधान को मानते हैं, एक CRPC को मानते हैं, एक IPC को मानते हैं, तो सभी देशवासियों के लिए अगर सिविल कॉमन कोड कोई बनता है तो मेरे ख्याल से ये देश के हित में होगा, ये किसी के खिलाफ नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री जी की सोच मेरे ख्याल से राष्ट्रहित को लेकर है, इस पर किसी को ऐतराज आपत्ति करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। धर्मांतरण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं शुरुआत से, वो सरकार के एकदम विपरीत है। वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण रुकने वाला नहीं है, पहले हिंदू धर्म जो है वो अपने आप में सुधार करे, इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं वो। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने मेरे ख्याल से धारणा बना ली है एक धर्म के विरुद्ध बात करने की, धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने की, और तरह तरह से मठ मंदिरों पे सवाल उठाने की। भाई, धर्मांतरण के बारे में कौन नहीं जानता है? सबको मालूम है जहाँ जहाँ धर्मांतरण की घटनाएं हुई हैं वहाँ पे FIR हुई हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, विवेचनाएं चल रही हैं, आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि करने वाले कौन हैं, कराने वाले कौन हैं। अभी लेटेस्ट गाजियाबाद में, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे घटना हुई है, अरेस्टिंग हुई है, बराबर जांच चली। तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो किसी स्थिति में भी उठाने लायक नहीं है। नरेंद्र कश्यप जी थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि धर्मांतरण जैसे मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरह के मुद्दे उठा रही है और धर्मांतरण कौन करा रहा है ये सबको मालूम है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।